गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर ऑन बिहाफ ऑफ श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से। गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ अकाउंट आर कॉमर्स। यहाँ पर आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बीएसटी यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टडी, और साथ ही साथ अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस। आज हम लोग कुल 30 क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस से आप अपने आप को बिल्कुल ये मानिए कि आप तैयारी के कगार पर हैं, एकदम तैयार होने के कगार पर हैं। जितना हम लोग पढ़ेंगे और अपने आप को बिना देखिए, बिना जब तक सोना कब चमकता है, जब उसको तपाया जाता है, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा से क्या होता है, हम पर निखार आता है। ओके, वेलकमिंग वंस अगेन फ्रॉम बिहाफ ऑफ श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट, दिस इज राजेंद्र गुप्ता वेलकमिंग विद द कॉमर्स सब्जेक्ट। एवरीवन प्लीज ज्वाइन द क्लास, लेट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर राउंड। We are here with 30 questions. Let's see the first question. चलिए हम लोग बड़े ही जोर से पेन कॉपी उठा लीजिए, तैयार हो जाइए। अपने जितनी भी बातें आपने पढ़ी हुई है या नहीं भी पढ़ी हुई है तो भी फ्री नॉलेज को लेकर के साथ में, जो पूर्व ज्ञान है आपके पास उसको लेकर के साथ में बैठ जाइए और 1 से 30 तक क्वेश्चन जो आपको करना है उसे बिल्कुल देख लीजिए कि 1 टू 30 क्वेश्चन हमें करना है कॉमर्स का, और इस कॉमर्स के पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। और आप बिल्कुल व्याख्याता के पद के योग्य हैं, आप सभी पेपर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसी श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला हमारी आती है कॉमर्स की श्रृंखला, आप उसे पूरा करेंगे विद इन लिमिटेड टाइम। जो हमारे पास समय है उसी समय से इसे हम लोग पूरा कर लेंगे। हम लोग जल्दी जुड़ें, इस क्लास को पूरा करें जिससे आपके अंदर अपने प्रश्नों की जानकारी, अपने ज्ञान का अनुभव, जो आपको जितना आपको जानकारी हो चुका है उसे आप नाप पाए, तौल पाए कि हम कितना जानते हैं, और जो कुछ कमी रह गई है वो अगले क्लासेस में एग्जाम आने से पहले वो तैयार हो जाए। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजेंद्र गुप्ता वेलकमिंग फ्रॉम श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। जस्ट ज्वाइन द क्लास एंड लेट्स सी आर क्वेश्चंस, देयर आर 30 क्वेश्चंस। हम लोग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस श्रृंखला में। आपके सामने जो बोर्ड पर दिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आपके सामने है। जहां कहीं आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो इंग्लिश को पढ़ लिया कीजिए, जहां कहीं आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो हिंदी में पढ़ लीजिए, और दोनों भाषाओं की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को भरपूर तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद उसका उत्तर आप कमांडेबल तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट को आप लेकर चलेंगे, जो भी जानते हैं उसे आप लेकर चलिए, ठीक है। कॉमर्स में आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीएसटी बिजनेस स्टडी, और साथ ही साथ अकाउंटेंसी, एंड थर्ड वाज द इकोनॉमिक्स, तीनों को लेकर के चलेंगे। तीनों सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं जो इंक्लूसिव तरीके से आपके सामने है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, काफी समय हो गया है। और अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने, आपके सामने सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन प्रयास करते हैं हम लोग सॉल्व करें इसको। जी बिल्कुल, देखिए सामने आपके क्वेश्चन आ चुका है, इसको पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनर्जित आय को माना जाता है, अनर्जित आय को क्या माना जाता है, इसे इंग्लिश में भी समझ ले क्या कहते हैं, अनअर्नेड इनकम। अनअर्नेड इनकम इज कंसिडर्ड, तो अनअर्नेड इनकम क्या होता है आप जानते हैं, अनअर्नेड इनकम कोई भी इनकम, चार तरह से आपने समायोजन चैप्टर में पढ़ा होगा कॉमर्स की अकाउंटेंसी में, समायोजन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आप देखते हैं समायोजन चैप्टर में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूवेड और अनार्जित, यानी कि एडवांस इनकम, ठीक है। अनअर्नेड इनकम आप जानते ही हैं, अनअर्नेड इनकम आपके लिए क्या है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है या लॉस है या कैपिटल है, तो दो तरीका होता है देखिए, या एलिमिनेटिंग करके एलिमिनेट कर दीजिए उसको, कि एलिमिनेट जो नहीं हो सकता है उसे एलिमिनेट कर दीजिए, या सीधी सीधी जानकारी के आधार पर अगर हम जाएं तो सीधे पहुंच सकते हैं या तार्किक रूप से भी जा सकते हैं। देखिए तीनों तरीके से हम आपको समझा रहे हैं।
तो देखिए पहली चीज तो अगर आप इसमें देखें कि अनअर्नड इनकम है, यानी कि यह आपकी एडवांस है, आपको एडवांस मिला है, इसके बदले में आपने काम नहीं किया है, तो एडवांस किसी से मिला हुआ है धन, और उसके बदले में भी आपने ना ही सामान दिया है ना ही सर्विस दिया है, तो यह आपके लिए जब तक आपके पास है फाइनेंशियल ईयर में, जब तक आपके लिए आपके पास है, क्या यह आपकी एसेट्स हो सकती है? एसेट्स तो है नहीं, तो एसेट्स तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, एडवांस लिया है ना, अभी इसके बदले में हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, यह कैपिटल भी नहीं है, ये हमारी पूंजी तो हो ही नहीं सकती, लॉस का कोई सवाल ही नहीं है। और उसके बाद सीधे सीधे भी पढ़ा है और ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकल के आता है कि यहाँ आपके लिए क्या है, यहाँ आपके लिए क्या है, तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि यहाँ पर उत्तर तो आपके सामने पड़ा हुआ है, उत्तर में आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पर? हेलो एवरीवन, हेलो आकाश, पूजा जी, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन, आप समझ पा रहे हैं? और सीधे तौर से आपने जब समायोजन चैप्टर पढ़ा है, फाइनल अकाउंट में जब समायोजन चैप्टर पढ़ते हैं तो चार चीज आपने पढ़ा है कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एक्रूवेड और एडवांस इनकम को हम लोग क्या मानते हैं। कोई भी चीज एडवांस इनकम जब अगर है, एडवांस इनकम है तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी ही है। सीधे तौर पर हम एक मिनट में इसको समझ सकते हैं कि यह क्या है, लाइबिलिटी है, राइट। तो आपने इसको नोट कर लिया कि यह क्या है, अगर नहीं भी जानते हो तो इसे अपने ध्यान से समझ लीजिए कि यह क्या होती है, यह दायित्व होता है हमारे लिए, संपत्ति तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास जो कैश एडवांस में रखा है वह मेरी लायबिलिटी है, कभी भी जो इसने एडवांस दिया वो हमसे वापस भी मांग सकता है, राइट। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है जब तक हम उसके बदले में सर्विस या गुड्स उसको ना प्रोवाइड कर दें, तो जब तक नहीं होती है तब तक वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। वेलकम ऑल ऑफ यू, लक्ष्मी कौशल जी, हेलो, हेलो एवरीवन, अभी भी क्लास स्टार्ट हुई है। मैं राजेंद्र गुप्ता वंस अगेन वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दिस इज फर्स्ट टेस्ट फॉर द कॉमर्स, ये पहला टेस्ट है कॉमर्स के लिए, आपके सामने है, प्रस्तुत करते हैं, इसको देखिए और यहाँ पर समझिए कि आपको कितना आता है। जो पूर्व ज्ञान, देखिए जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो अपना पूर्व ज्ञान लेकर बैठते हैं, उसे देखते हैं कि हमें कितनी कमी बाकी रह गई, जो बाकी रह गया उसे हम लोग तैयार करेंगे अपने पर्टिकुलर क्लासेस में। आप इंस्टीट्यूट का ऐप परचेज करके जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद फिर उसमें हम लोग वन बाय वन एक एक चैप्टर, एक एक हर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं, पूरी तरह से उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, देखिए आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपना लिस्ट बनाया होगा, उत्तर किया होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा बिल्कुल आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने तक का समय आपको दिया जाता है। देखिए मैं भी आपके साथ साथ दोहरा देता हूं, क्या है क्वेश्चन आपके सामने, क्रमबद्ध समंकमाला के केंद्रीय मान को क्या कहा जाता है। इन इंग्लिश द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरियली अरेंज्ड सीरीज इज नोन एज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हैं इसको। तो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आसान जवाब है आपके सामने, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए क्या हो सकता है ये, मीन मीडियन मोड जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, तीन चैप्टर पढ़ते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पर उन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, मीन मीडियन मोड में आप जो पढ़ते हैं बस वही हेल्प आपको कर देगा। आपने पढ़ा है मीन, पढ़ा है मीडियन, पढ़ा हुआ है मीडियन, पढ़ा हुआ है और मोड पढ़ा हुआ है, मोड पढ़ा हुआ है, क्वार्टाइल भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स में, इनमें से आपकी हेल्प करता है। अगर इनके फार्मूले और स्टेप पर आप चले जाएं तो इसका आंसर आपको पहले ही मिल जाता है। आप सबसे पहले इसी को समझ लीजिए, समंकमाला के केंद्रीय मान को क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध, पहली चीज तो यही पकड़ दे रही है आपको। इस क्वेश्चन में आंसर आपके लिए कौन दे रहा है, क्रमबद्ध ही दे रहा है। क्रमबद्ध किसमें, ऐसा किसमें, मीन मीडियन मोड में हम देखते हैं या क्वार्टाइल में, किसमें हम लोग क्या करते हैं, किसमें क्रमबद्ध करते हैं, क्रमबद्ध तो सब में किया जाता है, अरेंज सब में किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेते हैं, याद होगा आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू में हम लोग क्या होता है, सभी चीजों को शामिल करते हैं, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, ठीक है, मीन मीडियन मोड तीनों शामिल करते हैं। तो आप जल्दी से बताइए, सोचिए आपके दिमाग में क्या है, अपने कॉपी पर आंसर लिख लीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या हो सकता है आपके सामने, तो यहां पर आपकी क्या हो सकता है, उसमें बोल रहा है
केंद्रीय मान को क्या कहलाता है? समंक माला के केंद्रीय मान को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक मीन, मोड, मोड तो आप जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाली होती नहीं है, राइट? फ्रीक्वेंसी कहीं भी हो सकती है। सेंट्रली अरेंज किसमें किया जाता है? मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, पूरे डेटा को सम करते हैं, पूरा सम करते हैं, केंद्रीय मान फिर निकालते हैं, ठीक है? तो केंद्रीय जो यहां पर दिए हैं सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरियल, सीरियली अरेंज सीरीज तो हम आप लोग सीधे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, आपको स्टेप याद होगा तो सीधे इसमें क्वेश्चन में क्या करता है, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन में जितना भी डेटा दिया होता है डेटा को हम क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया करते हैं। अरेंज करने के बाद यहां पर हम लोग उसका क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं, ठीक है? तो ये सीधी पकड़ है इसकी, इसमें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन्स का, अर्थमेटिकल मीन का फार्मूला लगाना पड़ता है वहां पर, हाँ, केंद्रीय मान निकालने के लिए मीन का फार्मूला लगाना पड़ता है। मीडियम क्या होता है, मीडियम में क्या होता है, बीच का वैल्यू होता है। जैसे 10 पद हैं तो जो 9 पद हैं, अगर 9 डेटा है, डेटा में 9 पद हैं तो जो बीच का वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरियली अरेंज्ड, इसी से पकड़ में आ जाता है कि सीरियली अरेंज्ड हम लोग किसमें करके करते हैं, तो सीरियली अरेंज किसमें किया जाता है, मीडियन में किया जाता है। आपके पास आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो आंसर आपके पास सीधी पकड़ है इसमें, आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इकोनॉमिक से क्वेश्चन है ये, स्टैटिक से क्वेश्चन। चलिए मुझे लगता है इतनी देर में आप कर लिए होंगे, ठीक है? ऐसे ही चलिए हम फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपना प्रयास आप बढ़ाते जाइए समय पर। तीनों सब्जेक्ट से आपको ध्यान देना है कॉमर्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी, अकाउंटेंसी से भी और इकोनॉमिक्स से भी। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा अकाउंटेंसी से था, वो भी समायोजन चैप्टर से था, राइट? ये दूसरा क्वेश्चन आपका सेंट्रल वैल्यू से आता है, मीन मीडियन मोड से चैप्टर से आता है, तो वहां से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू जी, लक्ष्मी कौशल जी, आकांक्षा कौर जी, बिल्कुल आकाश जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सबको देख पा रहा हूं, आपके कमेंट भी पढ़ पा रहा हूं, आप मौजूद हैं। आकांक्षा कुजूर जी, पूजा जी, बिल्कुल आप तैयारी से इसको बैठिए और अपनी पेन कॉपी को संभालिए। पेन कॉपी के साथ साथ आप इसमें नए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल ये सामने पड़ा हुआ है, इसे आप देखिए। सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जानते हैं हायर स्टडी से भी दे देता है, इसे भी पढ़िए, आपने इसे भी कभी ना कभी पढ़ा होगा। मान लीजिए अगर सिलेबस से बाहर भी हुआ तो आपकी पढ़ाई के अंतर्गत ही है ये भी। अभी आप जानते हैं ये हायर परचेस सिस्टम कहां पर होता है, बीकॉम में होता है, राइट? फिर भी आप प्रयास कीजिए कि इसमें हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको याद हो हायर परचेस सिस्टम में, मैं आपकी मदद कर देता हूं। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत, हायर परचेस सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए जो ब्याज की गणना होती है, ब्याज की गणना की जाती है, ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो दो मेथड हायर परचेस में होता है, इंक्लूसिव इंटरेस्ट और एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट। ब्याज की गणना हम लोग कैसे करते हैं, नए ब्याज की गणना हम किस पे करेंगे, तो यहां पर ब्याज की ही बात हो रही है। ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं, पहला दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड या इंस्टॉलमेंट प्राइस रिमेनिंग अनपेड, किस्त की प्राइस जो कि अभी अनपेड है, या द अमाउंट दैट हैज बीन एग्रीड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। चौथा है कैश प्राइस जितना भी एसेट्स की वैल्यू होगी उस कैश प्राइस में से माइनस कर दे अमाउंट ऑफ द हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड, जो इंस्टॉलमेंट आप पेड कर चुके हैं उसको माइनस करने के बाद। प्रयास कीजिए, देखिए अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, ए बी सी डी। देखिए इनमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा आंसर सही है? ये या ये, इंटरेस्ट किस पर लगेगा, इंटरेस्ट किस पर लगेगा? तो यदि याद ना आ रहा हो तो मैं आपकी हेल्प किए देता हूं इसमें। देखिए आप सामान्य रूप से भी हायर परचेज सिस्टम में हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी एसेट्स लेते हैं
जो भी एसेट्स लेते हैं तो उसपे व्यापारी जो होता है इंटरेस्ट वैल्यू किस पर लगाता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इंटरेस्ट किस पर लगाता है? तो सीधी सी बात है, जो भी आपका कैश प्राइस होता है, अगर आपको याद हो, ध्यान रखिए, अगर आपको याद हो तो जो आपका कैश प्राइस होता है, तो यहां पर देखिए कुछ चीजें आप न आता हो तो सबसे पहले इसमें आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट करके बाहर निकाल दीजिए कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लग रहा है, कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, जितना भी अभी आपने नहीं दिया है, जो भी आज भी से 2 साल 4 साल की वैल्यू है, हायर परचेज सिस्टम में किराया क्रय पद्धति में हम किसी चीज को लेते हैं तो उसे कई इंस्टॉलमेंट में पेड करते हैं। तो जब ब्याज लगाते हैं तो ब्याज किस वैल्यू पर लगाते हैं, आपका क्वेश्चन इससे यही है कि प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है, ब्याज की गणना किस वैल्यू पर की जाती है, इस पर करते हैं या इस पर करते हैं या इस पर करते हैं या इस पर करते हैं। तो नीचे से भी पढ़ लीजिए, तो कैश प्राइस माइनस द अमाउंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड, कैश प्राइस और फिर कर रहा है कि हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड, जितना हमने पेड कर दिया है, तो पेड पर नहीं होता है क्योंकि जब इंटरेस्ट उस पर बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है। जैसे हर साल जो उसकी वैल्यू होती है, तो हमें आपको याद होगा उसमें हम लोग पहले इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर इंस्टॉलमेंट को पेड करते हैं, जितनी किस्त बनती है किस्त को माइनस करते हैं, तो कैश प्राइस के साथ साथ उसमें जो इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ी रहती है उस पे रहती है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, द अमाउंट दैट हैज बीन एग्रीड अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, जितना एग्री किए हैं उसी पर ब्याज लगाएंगे। एग्री तो जैसे मान लीजिए 30,000 या 40,000 की कोई एसेट्स है, तो 10,000 अगर अमाउंट किए हैं तो 10,000 कितना हो रहा है, 10,000 चार किस्त में 10,000 रुपए दे दिए, तो ब्याज किस पे लगाएंगे, पहले साल 10,000-40,000 पे लगाएंगे तो दूसरे साल 30,000 पे लगाएंगे, नहीं, तो उसमें ब्याज का अमाउंट, जैसे 30,000 रुपए जो बाकी है तो उसमें ब्याज का अमाउंट बढ़ जाता है, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब दूसरा है इंस्टॉलमेंट प्राइस रिमेनिंग अनपेड, इंस्टॉलमेंट प्राइस जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 40,000 का कोई चीज है, इसको 4 किस्तों में किया, तो आपने क्या किया, 10,000 की किस्तों में किया, 10,000 की 4 किस्तों में कर लिया, तो इंस्टॉलमेंट प्राइस रिमेनिंग अनपेड, जितना इंस्टॉलमेंट प्राइस होता है उस पर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो, जैसे मान लीजिए पहला किस्त आपने पेड कर दिया तो 30,000 रुपए जो बचा होगा उसमें ब्याज की राशि जुड़ी रहती है, पहले ब्याज जोड़ते हैं, तो जो ब्याज की राशि जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है, इस अमाउंट पर हम लोग नया इंटरेस्ट निकालते हैं अगले साल, जैसे इस पर आएगा, फिर जितना कैश पेड करेंगे, यहाँ कैश पेड कर देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे बढ़ी हुई है, अगले साल जो वैल्यू बढ़ी हुई रहेगी वही होगी। तो मतलब जितना अनपेड पैसा है, जो पैसा अनपेड रह गया है, अभी जितना हम लोगों ने पेड नहीं किया है, उस पूरे वैल्यू पर, सामान्य सी बात है कि अनपेड वैल्यू, जितना वैल्यू अगर नहीं पेड किए हैं उसी पर ब्याज लगेगा अगले साल तक के लिए, भाई जितना बाकी रह जाएगा वही उसी पर, लॉजिकली अगर हम सोचे तो अनपेड वैल्यू पर, कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, जो अनपेड होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है, एकदम ध्यान रखिए इसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ए, भुगतान ना हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर, कोई भी ब्याज लगाएंगे तो हम कहां लगाएंगे, जिस जो वैल्यू नहीं हुई है। वेलकम ऑल ऑफ यू, जो नए लोग भी जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम। चलिए अच्छा, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्किंग आपके सामने आता है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अब इकोनॉमिक्स जिस तरह से आपने पढ़ा हो, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करना, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए, मूल्य निर्धारण रणनीतियों में शामिल है, जब हम मूल्य निर्धारण करते हैं, मूल्य को निर्धारित करते हैं, उसकी रणनीति यहां पर मेन है, इसको समझिएगा, स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं इनमें क्या क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है, क्या क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है, जब हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, कि बेहद कम मूल्य पर निर्धारण होता है, या मूल्य तय करना होता है, या भ्रामक मूल्य निर्धारण करना होता है, या उपर्युक्त सभी, इस रणनीति में हम क्या शामिल करते हैं, इसको शामिल करते हैं, इसको शामिल करते हैं, किसको शामिल करते हैं, कि सभी को शामिल करते हैं। जब मूल्य निर्धारण करना होता है एक इकोनॉमिस्ट को या एक व्यापारी को, जब मूल्य निर्धारण करना होता है तो क्या तकनीक तय कर लेके चलता है, सिर्फ बेहद कम मूल्य निर्धारण, क्या हम लोग केवल एक ही चीज देखते हैं कि सबसे कम मूल्य लगा दो, बेच दो माल को, ऐसा तो नहीं होता है,
कम से कम प्राइस में तो कोई चीज बेची नहीं जाती है, अगर कम से कम प्राइस में बेच देंगे तो सभी खरीद लेंगे, उसमें हमारा अधिकतम प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये हमेशा कोशिश रहती है कि मार्केट में हमारी तरह की जितनी वस्तुएं हैं उनमें सबसे कम रहे, जिससे हमारा कॉम्पिटिशन में हम लोग आगे रहे। तो इस फैक्टर को लेते हैं तो यह भी आंसर हो सकता है। मूल्य तय करना इस रणनीति, अगर मूल्य निर्धारण की रणनीति है तो मूल्य तो तय करना ही है, तो यह भी शामिल है और यह भी शामिल है, राइट। भ्रामक मूल्य निर्धारण, यह रणनीति भी रहती है, यह रणनीति भी होती है। जैसे हम लोग कस्टमर को क्या करते हैं, एमआरपी दिखाते हैं कुछ, और फिर उसके बाद हम लोग मूल्य निर्धारण में क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज की छूट देते हैं। वास्तविक मूल्य हमारा जो फेस वैल्यू सेल वैल्यू होता है वो कुछ और होता है। जैसे 1000 रुपया मूल्य निर्धारण करते हैं और कहते हैं 1000 रुपए है और हमें जैसे तय करना था 700 रुपया, ठीक है, तो हम लोग 700 रुपया अगर तय करना है तो हमने कहा एमआरपी हमारी 1000 जाती है और उसमें हम लोग कहते हैं कि 30% की छूट, 30% की छूट या एक पर एक फ्री, 50% है तो एक पर एक फ्री। तो भ्रामक मूल्य भी होता है जिसमें छूट का सहारा लिया जाता है, ठीक है, तो यह बात भी शामिल होती है रणनीति के तौर पर। देखिए यह बात भी शामिल हो रही है, यह बात भी शामिल हो रही है और यह बात भी शामिल हो रही है। तो उस रणनीति में केवल एक बात नहीं, तीनों बात शामिल होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। इतनी देर में आप समझ गए होंगे, चलिए अच्छा ठीक है। ये क्वेश्चन आपने किया, वेलकम ऑल ऑफ यू दोज न्यू पीपल। आपने अपनी कॉपी में जी लक्ष्मी जी सही है, बी सी चलिए अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, देखते हैं आप कितना प्रयास कर पा रहे हैं। बिल्कुल अपने प्रयास को जारी रखिए, कम हो ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर हम जितना पढ़ते हैं जितना जानते हैं, अभी प्री नॉलेज हम जितना लेकर बैठते हैं उसको करके देखिए, थोड़ा सा समय आप देंगे उसी समय के अंदर हम 30 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने ये छठवां क्वेश्चन एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको पहले समय दे करके पढ़िए, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी नई बुक में जो संशोधन हुआ है सेबी के थ्रू, पढ़ लीजिए, इसमें लिखिए लिखा है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवेदन राशि, आवेदन राशि एप्लीकेशन मनी। आप जानते हैं जब शेयर इश्यू होता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं या आपने आंसर बुक पर आंसर लिस्ट पे जो बनाए हुए हैं उसमें देखिए, तो हम जो लिखते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल मनी, तो वहां कुछ गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जैसे डिस्काउंट को बंद कर दिया, आपने याद है कि हम किसी भी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सेबी की तरफ से बंद हो गया है, शेयर अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 ये बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसे ही कुछ संशोधन हुए हैं। आप बताइए कि आवेदन राशि शेयर के अंकित मूल्य का कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, क्वेश्चन में ऑप्शन है 5%, 10%, 20% या 25%। अगर मान लीजिए कोई चीज है 100 रुपए की है शेयर, तो कम से कम एप्लीकेशन टाइम में हम उससे कितना मांग करें, कितने की डिमांड करें, 100 का 5%, 100 का 10%, 100 का 20% या 100 का 25%, कितना होना चाहिए। तो ये सिंपल है, कानून है, जो एक्ट कहता है वही करेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगर आप जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। तो कानून के आधार पे आप ध्यान दीजिए, अगर आपको आता हो तो अपने आंसर शीट में टिक कर लीजिए, बिल्कुल वेलकम है सभी लोगों का। नए बुक में आप देखेंगे तो नए बुक में भी ये बिल्कुल लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मनी अप्लाई फॉर द शेयर शुड बी एटलीस्ट कितना परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू, हाउ मच परसेंट। तो इस चारों में आपके सामने बिल्कुल है, याद रख लीजिए, नियम कानून कितना है 5% का, इसे आप कितना रखेंगे यहां पर 5%, ठीक। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाता है, आंसर इसमें क्या हो जाता है, आंसर इसमें हो जाता है ए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहीं जाइए नहीं, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अकाउंटेंसी से, इकोनॉमिक्स से, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन लेकर के, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 अकाउंटेंसी से क्वेश्चन है ये। देखिए आपका क्या अकाउंटेंसी में कितनी तैयारी है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। 1,00,000 रुपए के अग्रिम भुगतान के साथ 5,00,000 रुपए की एक संपत्ति खरीदी गई, ठीक, 5,00,000 की एक संपत्ति खरीदे हैं
और 1,00,000 आपने पेमेंट कर दिया है एडवांस पेमेंट कि अभी संपत्ति ले रहे हैं और 1,00,000 पेमेंट कर दिए और 4,00,000 रुपए का बिल स्वीकार किया, तो कुछ तो 5,00,000 रुपए का सामान खरीदे, 1,00,000 पेमेंट किए, तो बकाया कितना हुआ 4,00,000 और 4,00,000 का आपने क्या किया बिल स्वीकार किया, माने बिल्स पेबल तैयार हो गया। यहां तक तो क्वेश्चन है, तुलन पत्र में कुल परिसंपत्तियों, तुलन पत्र माने क्या बैलेंस शीट में कुल परिसंपत्तियों और कुल देनदारियों, कुल संपत्तियों और कुल देनदारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंग्लिश में भी देख लीजिए। एन एसेट्स वाज परचेज्ड, एक एसेट्स परचेज कर रहे हैं 5,00,000 का है और उसमें डाउन पेमेंट माने तुरंत पेमेंट किया, तुरंत पेमेंट कितना किया 1,00,000 रुपए, तो कुछ बाकी रह गया, ठीक है बाकी रह गया, और 4,00,000 रुपए जो बाकी रह गया, तो बाकी आप समझ सकते हैं ना, 5,00,000 में से 1,00,000 पेमेंट कर दिए तो कितना बाकी रह गया 4,00,000 बाकी रह गया, 4,00,000 बकाया रह गया। और 4,00,000 रुपए का आपने क्या किया, व्हाट वुड बी द इफेक्ट, 4,00,000 रुपए का आपने एक बिल्स एक्सेप्ट किया, बिल्स हो गया, तो बिल्स पेबल भी आ गया आपके सामने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एसेट्स पर और लायबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, एसेट्स इंक्रीज होगा 4,00,000 से और लायबिलिटी इंक्रीज होगा 4,00,000 से, एसेट्स इंक्रीज होगा बाई 4,00,000 एंड लायबिलिटी डिक्रीज होगा बाई 4,00,000, एसेट्स डिक्रीज होगा बाई 4,00,000 एंड लायबिलिटी इंक्रीज होगा बाई 4,00,000, एसेट्स इंक्रीज होगा बाई 5,00,000 एंड लायबिलिटी इंक्रीज होगा बाई 4,00,000, ऑप्शन तो 4-4 है। तो अब आप सोचिए इसमें क्या हो सकता है, सोचिए इसमें क्या हो सकता है, इसी पेज पे रफ वर्किंग कर लीजिए। अच्छा देखिए, आपने एक तरफ देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट अपने दिमाग से लगा लीजिए, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ खटाखट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं एसेट्स एक तरफ होता है और एक तरफ लायबिलिटी होती है, राइट, तो जैसे ही हम इसमें खरीदेंगे तो 5,00,000 का एसेट्स खरीदेंगे तो 5,00,000 एसेट्स में क्या होगा, 5,00,000 प्लस होगा कि नहीं होगा, 5,00,000 इधर प्लस होने वाला है, और 1,00,000 का पेमेंट कर देंगे तो 1,00,000 कैश कम हो जाएगा, राइट, तो कुल मिलाकर के एसेट्स में क्या हो गया 4,00,000 इंक्रीज हो रहा है, 4,00,000 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक नई एसेट 4,00,000, 5,00,000 आया और 1,00,000 हमारे पास से कैश चला गया, 4,00,000 यहाँ आ गया, उसी के साथ साथ एक बिल भी एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल जब एक्सेप्ट कर लिया तो 4,00,000 का बिल्स पेबल तैयार हो गया, ये बिल्स पेबल किधर रहता है लायबिलिटी साइड में, तो 4,00,000 का आपके पास क्या हो गया बिल्स पेबल भी हो गया। तो आपने क्या देखा कि लायबिलिटी में क्या असर पड़ा, पूरी लायबिलिटी में 4,00,000 इंक्रीज हो गया, और एसेट्स में क्या असर पड़ा, पूरे क्वेश्चन का 4,00,000 इधर भी इंक्रीज हो गया, तो आपने समझा कि लायबिलिटी भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों में इंक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है एसेट्स इंक्रीज बाई 4,00,000, हाँ ये बात तो सच्च है, एंड लायबिलिटी इंक्रीज बाई 4,00,000, हाँ ये भी बात सत्य है, यही आंसर आपके सामने जा रहा है, तो ये आंसर आपके सामने जा रहा है, आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर ही इसमें सत्य होगा, राइट, दूसरे में देखिए आप पहला सत्य हो गया तो सब असत्य हो गए, इसमें देख सकते हैं एसेट्स इंक्रीज बाई 4,00,000 ये बात तो सत्य कर रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज कहां हो रही है, ये भी तो बढ़ रही है, तो ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होना है, राइट, एसेट्स डिक्रीज कह रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्या कहीं एसेट्स, एसेट्स तो बढ़ रहा है, ये भी बात गलत है, पहले ही पकड़ लिया कि एसेट्स बढ़ने का संभावना, ये घटा रहा है तो बिल्कुल गलत हो गया, एसेट्स इंक्रीज 5,00,000, 5,00,000 का इंक्रीज तो हुआ था लेकिन फिर 1,00,000 का कैश भी कम हो गया था, तो नेट इंक्रीज कितना था 4,00,000 का, तो ये बात भी गलत हो गई, पकड़ लिया ना अकाउंटेंसी में आपने इसको, ठीक आप समझ पा रहे हैं, इसमें वही बातें यहां पर भी लिखी हुई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, अकाउंटेंसी में हम लोग देखते हैं, या अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स अनप्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उस अंकेक्षण का नाम बताइए, ऑडिटिंग वहां पर भी लिखा हुआ है, ऑडिट, नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, दो एनुअल ऑडिट हो रही है, ठीक है, एनुअल ऑडिट होती है, हाफ ईयरली ऑडिटिंग भी होती है, कंटिन्यूअस ऑडिटिंग भी होती है, बड़े बिजनेसमैन हैं तो बीच बीच में नहीं, वो कंटिन्यूअस ऑडिटिंग कराते रहते हैं, ठीक है, तो जो उनका एनुअल ऑडिट होता है, कुछ लोग ऑडिट कराते हैं, जैसे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, जितनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ठीक है, ट्रस्ट व्रस्ट के लिए तो कोई जरूरत नहीं होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, छोटा मोटा दुकान है तो वो ऑडिटिंग कराएं नहीं कराएं चलता है, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं तो ये जरूर से अपना ऑडिटिंग कराते हैं, ठीक है, तो इस ऑडिट में एनुअल ऑडिट होता है, तो दो ऑडिट के बीच में अगर कोई
अगर करा रहे हैं तो उसे किस तरह का ऑडिटिंग कहेंगे, बाह्य अंकेक्षण, मानक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण? सोचिए इसमें। हाँ, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो बताइए कौन सा ऑडिटिंग इसमें कहा जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटिंग या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, इंटरिम ऑडिटिंग या फाइनल ऑडिटिंग? देखिए, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, बाहरी ऑडिटिंग तो हो नहीं रही, अकाउंटिंग की ऑडिटिंग हो रही है। ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन एनुअल ऑडिट, दो एनुअल ऑडिट हो चुके हैं, तो दो एनुअल ऑडिट हो चुके हैं, दो साल के बीच में हो रहा है, तो ये तो नहीं होना है, बाह्य अंकेक्षण नहीं है ये। स्टैंडर्ड मानक अंकेक्षण, क्या किसी मानक का अंकेक्षण हो रहा है, स्टैंडर्ड का नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर इंटरिम, दो के बीच की बात हो रही है ना, दो के बीच की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसी तरफ इशारा जा रहा है, अंतिम अंकेक्षण होता ही नहीं है यहां पर। हाँ, तो यहां पर हमारा सीधा इशारा किस तरफ जा रहा है, इंटरिम, इंटरिम ऑडिटिंग, इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या बन रहा है, ऑडिटिंग की तरफ, जो कि ग्रेजुएशन के बुक से आपके आता है। तो मान लीजिए सिलेबस से कभी कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऑडिटिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर आप इस आंसर के साथ जाएंगे, राइट, अंतरिम अंकेक्षण इसमें शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सातवां क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन, समय बिना गवाए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इस आंसर को नोट कर पाए हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आठवां क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपके पास, मांग का नियम क्या कहता है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है इकोनॉमिक्स को आप ध्यान दीजिए, वापस ज्ञान अपना पूर्व ज्ञान ही लेकर आइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अभी क्लासेस में स्टार्टिंग में ही जो बिल्कुल सामान्य बात होती है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पर सबसे पहले पढ़ने में अधिक समय देना चाहिए। मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें जब समान रहे, अन्य बातें क्या होती हैं, अभी इसकी बारे में भी बात कर लेते हैं, पहले ऑप्शन देखिए, अन्य बातें जब समान रहती हैं तो क्या होता है, वस्तु की कीमत, कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है, या वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध रहता है, या वस्तु की मांग तथा इच्छा के मध्य, मांग या इच्छा के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है, या वस्तु की मांग तथा कीमत के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। अन्य चीजें सामान्य रहने पर का मतलब क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स आर रिमेन सेम, अदर थिंग रिमेन सेम का मतलब यहां पर क्या है, जैसे अदर चीजें बिल्कुल सामान्य है, जैसे आइटम्स, आपके पास कई तरह के आइटम्स होते हैं ना, आइटम्स या क्लाइमेट कई, या राजनीति, पॉलिटिक्स, अगर अन्य चीजों का कोई भी असर ना हो, जैसे आइटम्स हैं, आइटम कैसे होते हैं, लग्जरियस आइटम होते हैं, डेली यूज के आइटम होते हैं, कंपल्सरी आइटम होते हैं, ये सब मान लीजिए अगर सामान्य है, जैसे लग्जरी आइटम होता है या सामान्य आइटम है, डेली बेसिस पर यूज है, नमक का यूज हुआ, कितना भी सस्ता कर दीजिए, क्या नमक लोग एक आध क्विंटल खरीद लेंगे, नहीं, ये कुछ थोड़ी थोड़ी करके खाने वाली चीज है। तो अगर अन्य कंडीशन सामान्य रहे, जैसे कोई क्लाइमेट में कोई परिवर्तन ना रहे, शॉर्टेज ना हो, भुखमरी नहीं फैली हुई है, पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई युद्ध, किसी देश से युद्ध छिड़ा है, उस समय मांग और कीमत का हिसाब किताब बदल जाता है, तो यहाँ पे यह बात शामिल करना बहुत जरूरी था कि अन्य बातें समान रहने पर, समान, समान मतलब सामान्य रहने पर, तो समान रहने पर, जैसे कहीं भी कोई युद्ध नहीं छुड़ा है, कोई पॉलिटिकल इंटरनल गृह युद्ध नहीं है, वॉर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ क्या होता है, इसमें आप दिमाग लगाइए, कीमत तथा मांग में कैसा संबंध होता है, कीमत और मांग में आपने कर्व पढ़ा है ना, डिमांड और सप्लाई में, प्राइस जब हम करते हैं, डिमांड और सप्लाई में क्या संबंध रहता है, आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिए, जीरो एक्सिस और हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या संबंध रहता है, मांग और सप्लाई में कैसा संबंध रहता है, ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन की तरफ आपके पास है, यहां पर ये भी है, इंग्लिश में भी है, समय कम है आपके पास, जल्दी जल्दी करें,
जी बिल्कुल ट्राई कीजिए, कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत सही। आधे घंटे से क्लास चल रही है, 10 मिनट 15 मिनट से क्लास चल रही है बिल्कुल। और इसमें हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं 8वें क्वेश्चन पर, थोड़े धीमे गति से चल रहे हैं लेकिन इसको समझते हुए क्या आंसर हो सकता है हमारा इसमें। सिंपल सी बात है, कैसे संबंध होता है, कर्व आपने हमेशा देखा है ना, मांग और मांग किसका किसका कह रहा है, मांग के नियम पे क्या होती है, कीमत और मांग पर, और कीमत तथा मांग पे, ठीक है, मांग और इच्छा पर और मांग और कीमत पर, बस वही कीमत और मांग पर, इच्छा से कोई सदैव सीधा संबंध होता है नहीं। मांग और इच्छा पर कैसा होता है, जैसे इच्छा होती है तो इच्छा और मांग का संबंध हम लोग जोड़ते भी नहीं है, अक्सर हम लोग सामान्य रहने पर किन चीजों का इकोनॉमिक्स में देखते हैं, कीमत और मांग पर, डिमांड और प्राइस पर क्या संबंध रहता है। जैसे डिमांड, आप क्या करते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस पर क्या असर पड़ता है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई चीज सामान्य, हर चीज हर कंडीशन सामान्य है तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है। जैसे टीवी की दुकान है, ठीक है, और उसके पास जितनी भी टीवियां हैं ही, जो नॉर्मल उसकी बिक्री होती थी हर दिन, वो 10 टीवी 5 टीवी बेच लेता था, अब उसके दुकान पे 100 ग्राहक खड़े हो गए, तो जब डिमांड 100 ग्राहक खड़े हो गए तो डिमांड बढ़ गई तो प्राइस के साथ क्या संबंध होगा। हर चीज सामान्य रहने पर कैसा संबंध देखने को मिलता है, तीनों पे आप तर्क कीजिए, या फिर अपना डिमांड और सप्लाई का कर्व पर ध्यान दीजिए, कुछ और लुक। हकीम चंद जी बिल्कुल वेलकम ऑल ऑफ यू, कॉमर्स क्लास में आप लोगों का वेलकम है। मैं राजेंद्र इस क्वेश्चन के साथ आपके सामने हूं जी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। अब ऐसे हर संडे आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर लेकर के हम प्रस्तुत होंगे, साथ ही साथ क्लासेस भी शाम को चलती रहेंगी आपके क्लास में, आपकी हेल्प करते हुए। ध्यान दीजिए इसमें, बताइए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपके सामने, काफी लोग जुड़े हुए हैं अपना अपना क्वेश्चन करते हुए। तो बताइए यहां पर कीमत और मांग में कैसा संबंध होगा, पहले कीमत पे सोचिए, यहाँ पे जो संबंध पूछा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ कीमत दिया हुआ है या प्राइस दिया हुआ है, पहली लाइन यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्राइस दिया है, ठीक है, प्राइस है, और इधर लिख लेते हैं डिमांड है, या यहाँ पर पेज नहीं है तो आप ऐसे ही सोच लीजिए ना कि ये है प्राइस, ठीक है, किसी चीज की प्राइस है 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए, अब इधर आपके सामने है डिमांड है, ठीक है, तो प्राइस और डिमांड पर कैसा संबंध रहेगा। प्राइस अगर बढ़ाएंगे, प्राइस कोई चीज 100 रुपए की है, अब हम उसका कीमत बढ़ा दिए 500 रुपए कर दिए, समझिए मान लीजिए हम उसका कीमत 500 रुपए कर दिए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, सब चीज सामान्य रहने पर डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे ही ये बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो सामान्य तौर पर मान लीजिए इतना इतना है, अगर हम प्राइस 500 से 700 कर देंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्राइस और बढ़ा देंगे तो डिमांड क्या होगी, और घट जाएगी, और प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड क्या होगी, और घट जाएगी। इसके विपरीत अगर डिमांड प्राइस हम घटाते जाते हैं तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं, कीमत बढ़ाने पे मांग क्या हो रही है, कीमत और प्राइस में यहाँ पर प्राइस और डिमांड के साथ कैसा संबंध हो रहा है। ये चीज अभी हमने आपके क्लास में स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने दिमाग से जो पिछला पढ़े हुए उसके आधार पे, इसीलिए थोड़ा समय दिया इसमें,
जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं उस ग्राफ की मदद से सिंपल सी बात है, अपने से जोड़िए, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, ग्राफ भी आपके सामने है, सिंपल सी बात है। आप सोचिए सब स्थिति सामान्य है, ना इंटरनल वार चल रहा है ना एक्सटर्नल वार चल रहा है, देश में स्थिति एकदम सामान्य है, क्लाइमेट भी सही है, ना सूखा है ना बाढ़ है, ठीक है, ना ही कोई तरह का कोई कंडीशन खराब है, सब कुछ सामान्य होने पे प्राइस और डिमांड में क्या असर पड़ेगा, आप बिल्कुल सोच सकते हैं, बताइए ना क्या असर पड़ेगा। मैं आपके यहाँ दिखा रहा हूँ, केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ हम ये भी बता दिए, अगर आप समझदार हैं तो यहाँ समझ गए होंगे, बिल्कुल आप समझदार हैं, यहाँ पर समझिए, प्राइस जब जब बढ़ रहा है तो डिमांड पर क्या असर पड़ा है, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए, जब हम टीवी की ही प्राइस है 1000 2000 5000 7000 8000 कर रहे हैं, जैसे ही हम कीमत बढ़ाएंगे तो ग्राहकों की संख्या क्या होती जाएगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी, और उसको सस्ता करेंगे तो ग्राहकों की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, राइट और नॉट, सब कुछ सामान्य रहने पर। तो क्या हो रहा है, इन दोनों में कैसा संबंध हो रहा है, एक का बढ़ना, अगर प्राइस, अगर देखिए कीमत बढ़ा रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, कीमत को घटा रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उल्टा या विपरीत संबंध कहते हैं। ऐसा कहां लिखा हुआ है, पकड़ लिए आप लोग, समझ पा रहे हैं जी, हकीम चंद जी, लक्ष्मी जी, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू, और सभी का स्वागत है इस क्लास में। छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता पद पर आप सभी जो है अपना स्थान जमाएंगे, बिल्कुल इसको देखते जाइए, तो आप सीधा समझ पाए हैं कि यहाँ विपरीत होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, आंसर बी। काफी समय दिए इस क्वेश्चन पर हमने आपको, और ये ग्राफ भी समझाया कि अगर सब कुछ सामान्य हो तो, ठीक है, सामान्य रहने पर कैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 क्वेश्चन हो गया, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन से चैप्टर से है, पहले उस पर ध्यान लेके चले जाइए, शेयर का चैप्टर है, जब शेयर चैप्टर है तो यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अंश। अब शेयर में याद कर लीजिए, शेयर में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग शेयर में क्या क्या पढ़ते हैं, शेयर का इशू पढ़ते हैं, शेयर का अलॉटमेंट पढ़ते हैं, शेयर का फॉर फ्यूचर पढ़ते हैं, राइट, री इशू पढ़ते हैं, तो उसी से संबंधित चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला दिया हुआ है फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड, फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड, क्या हरण किए गए शेयर, यहाँ पे सिंध बात है कि आपको समझना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड, ये बात तो सही लग रही है, हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है, यह बात भी सही है कि नहीं है भाई, फॉरफिटेड होता है, रीइशू भी होता है, यह बात भी सही है। आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पर जोर दिया है, क्या सही नहीं है, तो ये क्या होता है, इशू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्वेश्चन टॉपिक भी है ना, फॉरफिट करना, हरण करना और उसको पुनः निर्गमित करना, रीइशू करना, ये तो होता ही है। ए नोटिस ऑफ 14 डेज, हाँ ये इस पर ध्यान आपका उतर सकता है कि जब भी हम किसी पार्टनर, किसी शेयर होल्डर का शेयर जब हरण करने लगते हैं, जब वो आपने पढ़ा कि एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल मनी होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, तो अगर कोई शेयर होल्डर है, कोई पैसा नहीं दे पाया है भाई, तो उस पैसे में हम लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं दे पाया है तो उसका तुरंत शेयर हरण नहीं करते हैं, पहले उसको नोटिस देते हैं। तो ए नोटिस ऑफ 14 डेज टू शेयर होल्डर्स इज नेसेसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ द शेयर, अंशों के हरण से पूर्व अंशधारियों को 14 दिन का एक नोटिस देना आवश्यक है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कथन क्या है, तीसरा कहते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, जो प्रीमियम मिलता है इशू ऑन शेयर कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यह भी सत्य है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम हम लोग कहाँ कहाँ इशू करते हैं, कहाँ जो भी प्राइमरी खर्चे होते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेटिंग खर्चे या इशू, शेयर इशू करते समय जितने भी खर्चे होते हैं उसको राइट ऑफ किया जाता है, उसको सेट ऑफ करते हैं ना, तो यह बात भी सत्य है। चौथी बात क्या है, तो प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब हम री इशू करते, देखिए खुद ही बता दिए री इशू, तो री इशू करते समय, तो इनकी बात ये कट गई कि नहीं, कि री इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
इनकी यहाँ बात, यह बात तो यहीं से कट गई कि री इशू होता है, तो यह बात तो कट गई ना कि री इशू तो होता ही है, आप ही कह रहे हैं कि री इशू करते समय, तो मान लीजिए री इशू होता है, यह बात तो यहीं, ये खुद ही कह रहे हैं री इशू होता है, री इशू हो सकता है, आप फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये गलत कर दिए, ये पकड़ा गए, लिख रहे हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, सामान्य संचय खाता में नहीं ट्रांसफर करते, यही इनकी गलती है, तो माने डी आंसर गलत हो जाएगा। कहां ट्रांसफर करते हैं, आपको याद होगा ये वाला पॉइंट गलत है इनका, तो तीनों सत्य था ये असत्य है, तो आपका आंसर ये होता है, अगर कहां ट्रांसफर करते हैं, आपको याद होगा जितना भी फॉरफिटेड अमाउंट होता है जो हमारे लिए बेनिफिट होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बात समझ रहे हैं आप, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व नॉट द जनरल रिजर्व, राइट, याद हो गया आपको, अभी शेयर वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर से जिसने नहीं याद किया है आ जाएगा। चलिए आकांक्षा जी, हकीम चंद जी, कोशिश करिए, लक्ष्मी जी, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द कॉमर्स क्लासेस, आपको तीनों सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है क्या, नोटों का निर्गमन नहीं, नहीं इस बातों को पढ़ा कीजिए, तो क्या करता है कि नहीं करता है, पहले ध्यान दिया कीजिए, नॉट है तो पहले देखिए, नोटों का निर्गमन, साख पर नियंत्रण, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना, विदेशी विनिमय प्रबंध का नियंत्रण, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है कौन सा काम नहीं करता है, तो यह जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या है, रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, नोट इशू करता है, साख नियंत्रण करता है, हाँ बैंकों से सिक्योरिटी मनी रिसीव करता है, जितने भी बैंक हैं सभी से, और उनसे विदेशी विनिमय जितने होते हैं, विदेशी विनिमय मतलब व्यापार से जो फॉरेन एक्सचेंज जितना होता है उन पर भी रिजर्व बैंक इंटरेस्ट इंक्रीज करके, इंटरेस्ट डिक्रीज करके उन पर भी नियंत्रण करता है, तो यहाँ आपके सामने देखिए नोट का निर्गमन, साख पर नियंत्रण, ये तीन काम तो ऐसे ही फंक्शन जिसने पढ़ा है फंक्शन तो याद हो जाता है बैंकिंग फंक्शन में, हाँ व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन में ये बातें आ जाती हैं, तो एक ही चीज है जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना, ये रिजर्व बैंक नहीं करता है, ये जो लोकल बैंक होते हैं वो लोग करते हैं ना, जितने जैसे यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ यूनियन बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सारी बैंक ये करते हैं, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार कौन करता है, ये करता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा यही होगा सी, सही है, सही है, ओके वेरी गुड, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर समय नुकसान बिना किए हुए हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटेट टू एक्सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय, इन हिंदी निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है, निर्यातकों को यानी कि एक्सपोर्टर की बात कर रहा है, एक्सपोर्टर को पूंजी कौन देता है, बड़े बड़े बैंक देते हैं, तो आपने पढ़ा है ग्रामीण बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, राइट, तो बैंकों में ऐसे कौन से बैंक हैं जो पहले व्यापारियों की मदद करते हैं, कुछ आप नाम सुनेंगे, जैसे IDBI, इंडसइंड बैंक, ये सभी औद्योगिक बैंक हैं, इंडसइंड बैंक इंडस्ट्रियल बैंक होती है, IDBI इंडस्ट्रियल बैंक होती है, जो निर्यातकों को बड़े व्यापारियों को पैसा प्रदान करते हैं, हाँ लोन के रूप में, बड़े रूप में एक्सपोर्टर की खासकर मदद करते हैं, एक्सिस बैंक वगैरह, तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक इनको नहीं देता है, निर्यात एवं निर्यात साख एवं गारंटी निगम द्वारा, या व्यापारिक बैंक द्वारा, या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय का यहाँ क्या काम है, विदेश मंत्रालय अपने मंत्रिपरिषद को संभालता है, मंत्रिपरिषद के नियमों को बनाता है, वहां के नियमों को तैयार करता है, तो बताइए इसमें अभी अभी हमने बात किया तो उस हिसाब से इसमें से क्या हो सकता है, बताइए, विदेश मंत्रालय, अच्छा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भी दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकता है, निर्यातकों की बात हो रही है,
निर्यातकों को कार्यशील पूंजी कौन प्रोवाइड करता है? इज प्रोवाइडेड बाय, वेलकम ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन से क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। देखिए यहां पर ऑप्शन सीधा सीधा आपकी पकड़ है कि कौन करता है, एक्सपोर्टर कौन होता है, व्यापारिक लोग होते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा। आपको याद होगा आईडीबीआई इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं, इंडसइंड बैंक, तो बाकी बैंक जितने होते हैं इंडस्ट्रियल बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके द्वारा उन्हें पूंजी दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग किस पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ओके, समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 था 12, ऑडिटिंग, फिर ऑडिटिंग से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ऑडिटिंग से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड AAS2 आर कंसर्न्ड विद, किससे संबंधित है? अब इसमें जो कानून जानता है अब इस कानून की बात है, कोई इस पे तर्क नहीं होता है। अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाप किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, प्रमाणन से, संपत्ति और दायित्व के मूल्यांकन से, अंकेक्षण के नियोजन से, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। ऑप्शन इंग्लिश में भी मौजूद है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, बाउचिंग से, बाउचिंग में क्या होता है समझिए पहले, किसमें क्या होता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस अगर नहीं याद है तो किसमें होता है ये भी तो समझ सकते हैं कि ऑडिटिंग में क्या होता है, बाउचिंग से होता है कि वैल्यूएशन, बाउचिंग में क्या होता है बाउचर मिलाते हैं, ठीक है, ऑडिटिंग में क्या करते हैं केवल बाउचर का प्रमाणिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं कि कितना लेन देन हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन किया जाता है, यहाँ लिखा है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड AAS2 में ये तो नहीं हो सकता है। ठीक, संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन से, इसमें इसका मूल्यांकन तो नहीं होता है। ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग से इससे क्या मतलब है, प्लानिंग तो पहले से ही हो चुकी है, अंकेक्षण का नियम, प्लानिंग तो अंकेक्षण करने के लोग करते हैं, जो व्यापारी होता है उस प्लानिंग को करता है या फिर जिसको काम दिया जाता है वो करता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हुए। अब बाउचिंग में भी इससे कोई संबंध नहीं है, बाउचर तो व्यापारी तैयार करता है, बाउचर हर हर जगह उसकी यूज होती है, अंकेक्षण करेगा, जहां कहीं भी डाउट होता है, ऑमिशन होता है, एरर होता है, सभी लोग बाउचर से मिलान करते हैं, तो बाउचिंग से भी यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, तो बचता है एक ही ऑप्शन, क्या होता है, ऑडिटिंग जो AAS2 है, ऑडिटिंग संबंध समझिए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड AAS2 आर कंसर्न विद, किससे कंसर्न करता है, एलिमिनेट करके हमने देखे निकाल दिया, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण, जितने वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, वित्तीय विवरण हमारे पास क्या क्या होते हैं, जो हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज के जितने भी लेन देन होते हैं उनके अंकेक्षणों का उद्देश्य एवं क्षेत्र से, जो उनका क्या उद्देश्य है, जो वित्तीय विवरण हमारे पास आते हैं उनके सभी उद्देश्यों को इसमें शामिल किया जाता है कि जिस उद्देश्य से हम इसका कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड जो नियम कानून तैयार किए गए हैं इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आर कंसर्न किससे संबंधित होता है, तो इससे संबंधित होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इतना समय दिए आप समझ गए होंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ये तो कर ही सकते हैं। अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स से 1.5 लाख रुपए में खरीदी, अभी ये कल ही पढ़ रहे थे आप लोग, यह क्या है, एक लेन देन है, एक घटना है, इट इज ट्रांजेक्शन, क्या है ये, ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है कि गैर वित्तीय समंक है, हाँ नॉन फाइनेंशियल डेटा है या उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इसकी सीधी पकड़ है, यह क्या है, इवेंट में मतलब होता है किस तरह का बढ़ना घटना, प्रॉफिट या लॉस, हाँ पढ़ाए थे बेसिक टर्म्स में, तो यहाँ सीधी सीधी बात है, यह एक बार में पकड़ में आ गई। ठीक है भाई, कितना टाइम लगेगा इसको सोचने में, गैर वित्तीय ये तो है ही नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे यह एक लेन देन तो है ही, अशोका लिमिटेड है एक कंपनी है, उसने टाटा एंड सन्स दूसरी कंपनी है, उससे 1.5 लाख रुपए में खरीदा है, ट्रांजेक्शन तो है ही है, तो यह ट्रांजेक्शन है ही है, इसलिए इसका आंसर तुरंत आपके सामने हो जाता है, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, यह एक ट्रांजेक्शन है, इसलिए 13 का आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अकाउंटेंसी का, ट्रायल बैलेंस क्या चीज दिखाता है, ऑप्शन क्या है, लाभ हानि खाते का शेष, पहले समझ में आ रहा है कि ये नहीं है, नहीं लाभ हानि खाते का शेष तो नहीं दिखाता है, लेखाकार द्वारा किए गए लेखांकन की
पूर्ण शुद्धता, इन इंग्लिश भी समझ लीजिए, कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट, कुछ कुछ लग रहा है। बही खाता के शेषों की गणितीय शुद्धता, कुछ कुछ लग रहा है। संपत्तियों एवं दायित्वों के मध्य शेष, केवल संपत्ति दायित्व ये कहां रहता है, ये तो केवल बैलेंस शीट में रहता है ना। अब आपके सामने दो है, हाँ बताइए कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है कि सी हो सकता है, ए और सी तो आपने पहले ही कट कर दिया, तो बताइए कौन सा हो सकता है। आपके पास है तलपट क्या प्रदर्शित करता है, वेलकम ऑल ऑफ यू, कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, आकाश जी वेलकम। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी का ट्रायल बैलेंस है जो कि लेजर के बाद तैयार किया जाता है, फाइनल अकाउंट के पहले तैयार किया जाता है, तो आप बताएं यह किसमें किससे संबंधित है। सीधी सी बात है, उसमें क्या होता है, आप देखते हैं ना लेजर में जितना रहता है उसका बैलेंस ही तो नोट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसमें क्या करते हैं, किसकी एक्यूरेसी देखते हैं, अगर तलपट मैच नहीं करता है तो उसमें क्या होता है। सीधे सीधे ऑप्शन में जा सकते हैं, यहां दिया हुआ है कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग डन, अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट, कंप्लीट एक्यूरेसी, अकाउंटिंग अकाउंटेंट की कंप्लीट एक्यूरेसी को नहीं चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है उसमें। ट्रायल बैलेंस में ये दिखता है, जैसे नंबरिंग, पैसा लिखने में गलती हो गई, कहीं ज्यादा डेबिट क्रेडिट का हो गया, पैसा कुछ ज्यादा कम ज्यादा लिख दिया, तो वही आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जो शेष होता है लेजर का, जो बैलेंस, बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है आप जानते हैं ना, बैलेंस नोट किया जाता है, तो उसमें बैलेंसिंग का ही जो बैलेंस होता है, जो बैलेंस होता है बैलेंस को ही, अर्थमेटिकल बैलेंस को ही चेक किया जाता है, तो इसमें आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपके सामने स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, स्थायी संपत्ति मतलब मशीन बिल्डिंग, इन पर जो ह्रास होता है वह एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, पूंजीगत व्यय का, आयगत व्यय का, स्थगित आयगत व्यय का, या वास्तविक व्यय का, कोई ना कोई व्यय ही है, कोई ना कोई एक्सपेंडिचर है, बताना है कौन सा व्यय है, सोचिए बताइए फटाफट। जी वेलकम ऑल ऑफ यू, आरती चौहान जी अभी भी जुड़ी हैं, वेलकम। देखिए अकाउंटेंसी से क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखकर बताइए क्या हो सकता है। तो हम लोग अच्छा बात करते हैं, हेल्प करते हैं आपके सोचने में भी, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम एसेट डिप्रिसिएशन से कोई एसेट लेते हैं, एक फ्रिज ले लिए, तो फ्रिज हम मानते हैं कि 10 साल चलनी है, 10,000 की फ्रिज है, तो हम क्या 10,000 इसी साल का खर्च है, नहीं, तो हम एक एक साल में उसको 10 किस्तों में उसको डिवैल्यूएट करते हैं, तो 1,000 जो डिप्रिसिएशन हुआ वो हमारे लिए क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, इसलिए जो वो किस लिए होता है, 1,000 रुपया क्या हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए खर्च माना जाता है, तो यह ऑपरेटिंग खर्चा है, इसलिए यह कौन सा खर्च होगा, सीधी इसकी पकड़ है, ठीक कर दे, राइट। पूंजीगत व्यय तो है नहीं, हाँ पूंजीगत व्यय है क्या ये, नहीं, अगर कोई खरीदने पे अगर पूंजी का निर्माण हो तो पूंजीगत व्यय है। अस्थगित आयगत व्यय, आयगत व्यय स्थगित नहीं है, ये अस्थगित लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, इसलिए यह भी नहीं है, तो इसमें सीधी पकड़ है आपके पास कि यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, आयगत व्यय होगा, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होता है आप जानते हैं, आयगत व्यय होता है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17 नंबर, इसको बताइए, एक कंपनी ने 20,000 रुपए अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, देख लीजिए इसे अभिलेखित किया जाना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर आप अकाउंटिंग में आप इसे जानते हैं कि 20,000 रुपए से क्या होने वाला है, जो पेंटिंग में खर्च हुआ है क्या यह आयगत व्यय है, क्या किस प्रकार का व्यय है, खर्चा तो हुआ है ये बात तो सही है, एक्सपेंसेस तो है, लेकिन किस तरह का एक्सपेंसेस है आपको इसमें विचार करके बताना है, किस तरह का एक्सपेंसेस है, ध्यान दीजिए समय आपके पास कम है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, कौन सा एक्सपेंसेस है बताइए। तो यह देखिए, जब कोई संपत्ति बनती है, जैसे एक माला और बना दे बिल्डिंग में, एक माला और जोड़ दे तो संपत्ति बढ़ जाती है, तो उसके लिए होती है, बिजनेस को ऑपरेट करने में अगर चल रही है, खर्चा हो रहा है तो भी वही होती है, लेकिन ये क्या हो रही है, कैसे खर्ची है, पेंटिंग हो रही है बिल्डिंग का, अपने बिल्डिंग का पेंटिंग हो रहा है, तो लगा तो बिल्डिंग में ही है, कहीं ना कहीं फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग के मेथड के अंतर्गत हमें इसे दिखाना तो पड़ेगा ही, तो यह आयगत भी नहीं है, पूंजीगत भी नहीं है, तब ये बचा गया, व्यक्तिगत तो बिल्कुल ही नहीं है, तो व्यक्तिगत नहीं है तो ये क्या है, अस्थगित आयगत व्यय है, जो कि बाहर में
बैलेंस शीट के बाहर करके दिखा दिया जाता है, राइट जी। वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी अभी कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है आपके सामने, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कैपिटल ऑफ प्रॉफिट डिसोल्यूशन, माने ये कौन से चैप्टर का है? पार्टनरशिप से है, पार्टनरशिप से है। तो बताइए पार्टनरशिप से है, तो पार्टनरशिप में हम लोग क्या करेंगे? डिसोल्यूशन के समय में पूछा जा रहा है कि एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ, कोई लाभ हो तो साझेदारी के बीच में बांटा जाता है, किस रेशियो में बांटा जाता है, समान अनुपात में कि पूंजी के अनुपात में कि लाभ के अनुपात में कि इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है ना, एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में क्या नियम है? जो नियम है वही नियम है, नियम बदल नहीं सकता है। छह नियम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या नियम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्या नियम है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या नियम है, अगर वो आपको याद है तो फटाक से कर लेंगे, नहीं याद है तो कंफ्यूज रहेंगे। तो उसमें क्या नियम है? सीधी नियम है, आप जानते हैं। अब हम लोग उसमें क्या आंसर है? पूंजी के अनुपात में नहीं बांटते हैं, लाभ वितरण अनुपात में नहीं बांटते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसे हम लोग इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप डीड में इक्वल रेशियो में वो बट जाएगा, अगर 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 कोई पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कानून की बात है, कानून पढ़ते हैं तो सीधी बात याद आ जाती है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, सिंपल सी बात है, परचेज बुक किस लिए होता है? क्रय पुस्तक को क्या अभिलेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक का हम किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? कल ही बता रहे थे परचेज बुक का, उधार परचेज, सभी उधार परचेज परचेज बुक में लिखे जाते हैं। तो ठीक है, तो आप यहां जानते हैं क्या पूछा है, माल के समस्त क्रयों का, समस्त क्रयों का, माल के समस्त उधार क्रयों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखने में आ रहा है ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेज कैश और क्रेडिट दोनों नहीं, कैश और क्रेडिट दोनों नहीं, ऑल परचेज सभी परचेज ये भी नहीं, फर्नीचर भी खरीद लेंगे वो भी आएगा नहीं, क्रेडिट परचेज, परचेज बुक किसमें होता है? क्रेडिट परचेज, परचेज बुक किसका होता है? क्रेडिट परचेज, तुरंत पकड़ते हैं हम लोग। ठीक, ये तो होना ही नहीं है, तो आंसर क्या बनता है? आंसर आपका होता है समस्त उधार करो, यही आंसर है, राइट। कटाक्ष इसको आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दी बता दीजिए, ये भी कल ही बताए थे, ड्राइंग अकाउंट इज, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? बताए थे ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आपको बता रहे थे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन किससे रिलेटेड होता है। तो आप जानते हैं ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट व्यापारी को इंडिकेट करता है जो कि एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। तो ड्राइंग अकाउंट किसको इंडिकेट करता है? नाम मात्र खाते को, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल में आप वैसे भी जानते हैं केवल एक्सपेंसेस इनकम होता है, तो ये तो नहीं होना है। व्यक्तिगत खाते को इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। वास्तविक खाता किससे रिलेटेड होता है? व्यक्तिगत खाता माने किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, वास्तविक किसी संपत्ति से रिलेटेड होता है। संपत्ति तो यहाँ पर है नहीं, ड्राइंग ये कोई संपत्ति नहीं है। काल्पनिक खाता यहाँ पर होता नहीं है, फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये सीधी सीधी किस पे आंसर जाएगा आपका? राइट, व्यक्तिगत खाते से। चलिए अच्छा, इसको भी आप क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 20 की तरफ। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, द फर्म प्रिपेयर्स, फर्म क्या करती है? इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का जो प्रोविजन होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जनरली हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो क्या, और साझेदारी का संलेख हो जो होता है, साझेदारी में एक नया अकाउंट क्या बनता है आपको याद है? तो आप जानते हैं कि लाभ हानि के ठीक बाद लाभ हानि समायोजन खाता बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो नहीं बनता है। तो सीधी इसकी पकड़ है कि जब हम लोग इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जो प्रोविजन क्या होता है, पार्टनरशिप में जो लाभ बांटना रहता है उसी को पार्टनरशिप का प्रोविजन कहते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? आपकी सीधी पकड़ है, आप जानते हैं क्या होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है।
लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है, राइट? पकड़ रहे हैं इसको? रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, पार्टनरशिप अगर आपने पढ़ा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट कब होता है? एडमिशन पर होता है या रिटायरमेंट पर होता है, राइट? तो प्रोविजन करने के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्राइमरी परचेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, प्राइमरी पर्पज ऑफ, परचेज नहीं पर्पज, पहला उद्देश्य विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? सभी जानते हैं, जानकारी देना, समझाना, याद दिलाना, उपयुक्त सभी। क्या लग रहा है आपको? सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाना। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट क्या उद्देश्य होता है, किस लिए किया जाता है? भाई आपने से भी सोच लीजिए, विज्ञापन हमें क्या करता है? कोई भी विज्ञापन हमें जानकारी देता है, जी देता है, समझाता है चीजों के बारे में, जी समझाता है, याद भी दिलाता है, भूल जाते हैं तो हाँ याद दिलाता है, माने तीनों शामिल है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, राइट? बिल्कुल आसान सा आंसर है। चलिए वेलकम एवरीवन, फटाफट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 23 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड, किसी बुक में अथॉरिटी और अथेंटिसिटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन, ठीक है, प्रामाणिकता का सत्यापन क्या कहलाता है? किसका सत्यापन, किसका सत्यापन? अभिलेखित लेन देन, जो भी लेन देन हुए हैं लिखे गए हैं उनका प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन क्या कहलाता है? सत्यापन कहलाता है कि आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है, कि प्रमाणक कहलाता है, कि अन्वेषण कहलाता है। इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये इसको इन्वेस्टिगेशन तो जांच तो हो नहीं रही है, सत्यापन कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या लग रहा है, क्या सत्यापन होता है? अब अभिलिखित लेन देनों को ये हो सकता है, यहाँ पे आंतरिक अंकेक्षण, अंकेक्षण से इससे वाउचर, अगर किसी चीज का सत्यापन कर रहे हैं तो केवल एक हिस्सा कर रहे हैं, अंकेक्षण में तो बहुत सी चीजें शामिल होती है, तो अंकेक्षण भी नहीं होता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, सत्यापन होता है कि प्रमाणक होता है। सत्यापन तब होता है जब किसी मेन अधिकारी के सामने कोई दोनों चीजें सामने रख करके प्रमाण देते हैं। तो अभिलेखित लेन देन के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता, प्रामाणिकता तो हो चुकी है, प्रामाणिकता का सत्यापन, हम कोई चीज प्रामाणिकता है कि हाँ ये चीज सही है या गलत है, ये सही है कि गलत है, तो हम उसके लिए बाउचर जब निकाल के दिखाते हैं तो ये क्या देखा कर रहे हैं, ये सत्यापन नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रमाण दे रहे हैं कि ये जर्नल एंट्री जो हुई है इस आधार पे हुई है, तो हम क्या दे रहे हैं इसमें, प्रमाण दे रहे हैं, तो इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउचिंग कहते हैं या फिर प्रमाणन कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? चलिए आपके पास ऑप्शन है, लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है, क्रय की गई ख्याति जो गुडविल हम लोग परचेज करते हैं उसी को नोट करते हैं, या सर्वनियमित ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है, जो भी ख्याति होती है उसे किसके खातों के माध्यम से किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते से, पूंजी खाते में शामिल करते हैं, या ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, हाँ ये बात भी सत्य है, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, ख्याति एक फिक्टिशियस एसेट्स है। अब देखिए जब हम प्रमाणन 26 ये एक्ट है के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो जो क्रय करते हैं किसी देश किसी कंपनी को खरीदते हैं उसकी गुडविल भी खरीद लेते हैं, तो जब उसकी गुडविल खरीद लेते हैं तो गुडविल भी तो कहीं ना कहीं लिखी जाती है ना, तो गुडविल लिखते हैं, तो इसमें से पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 में। प्रयास कीजिए, देखिए बताइए कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, कौन सा? देखिए ख्याति एक अमूर्त, पहले ही पढ़ाए हैं कि गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, हाँ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ाए हैं, तो ये अमूर्त संपत्ति तो है, तो ये बात तो है ही। पूंजी खाते में आप जानते हैं जब भी हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप, तो गुडविल को ट्रांसफर किया जाता है, साझेदारी पूंजी खाते में के माध्यम से किया जाएगा, यह बात भी सत्य है, यह बात भी सत्य है, तो यानी कि क्या सत्य नहीं है, कि ये सत्य
नहीं है, काल्पनिक खर्च फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा डी, राइट। सोच लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 25। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया था? मिस्टर फिशर, फिशर का फॉर्मूला याद है आपको, एम बराबर के वाई प्लस के डैश ए पी टी। इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास क्या है, देखिए, अंडर द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड। फिर बात है कि नहीं इंक्लूड किया जाता है साख नियंत्रण की परिमाणकता तकनीक में, निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सा नहीं शामिल किया जाता है? साख जब नियंत्रित करते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, क्रेडिट कंट्रोल को जब हम करते हैं उसकी परिमाणिकता, उसकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को, किन किन कौन कौन सा टेक्निक, इस टेक्निक में कौन कौन सा टेक्निक शामिल नहीं किया जाता है। अगर टेक्निक नहीं पढ़ा भी है तो कॉमन सेंस लगा करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या इसमें शामिल नहीं किया जाता है, खुले बाजार का परिचालन। अगर आप साख नियंत्रण कर रहे हैं, कोई देश अपना क्रेडिट कंट्रोल करती है, तो उसके परिमाणकता परिमाणात्मक सॉरी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए किन चीजों पर ध्यान देना होता है, क्या क्या चीजों शामिल, खुला बाजार पर परिचालन इस पे क्या करेगी, इस तकनीक को शामिल नहीं करेगी, खुला बाजार को शामिल नहीं करेगी। क्या अपना देश दूसरे देशों को व्यापार करने नहीं देगा, रोक देगा सबको क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, दूसरे देश को परचेस से रोक देगा, परचेस से रोक देगा तो हाहाकार मच जाएगा, हमारे यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं रोक सकते ना, बिजनेस ओपन मार्केट तो रहेगा, तो इसे तो जरूर शामिल करते हैं। तो पूछा है किसे शामिल नहीं करते, इसे शामिल करते हैं भाई, परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात, ये भी आपने पढ़ा होगा, परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात ये होता है कि जैसे जब सरकार पैसा छापती है, नोट छापती है, तो उसके कुछ कोष को रिजर्व कोष में रखा जाता है, परिवर्तनशील जो कि होता है, तो क्या इसे भी शामिल किया जाता है? हाँ इसे भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब नोट क्रेडिट घटता है बढ़ता है, सरकार अपने बजट में जितने जो घाटे की बजट पास करती है उसके लिए नए नोटों का निर्गमन करती है। तो नए नोटों का जब निर्गमन करती है, जैसे 5,000 करोड़ का नोट जब इशू करेगी, तो कुछ कोष जो है सोना या चांदी या फिर दूसरी करेंसी, दूसरे देश करेंसी एक कोष में रख दिया जाता है, ताकि जो उसमें लिखा रहता है नोटों में कि भारतीय रिजर्व बैंक धारक को इतने रुपए देने का वचन देती है, कि जो कोई ग्राहक अगर फिर से देश का देशवासी अगर उस पैसे को लेने आए तो उसके बदले में कोई मेटल या कोई करेंसी दे सके, तो कुछ अनुपात में रखा जाता है। तो इसे भी हम लोग क्रेडिट कंट्रोल, देश को अगर क्रेडिट कंट्रोल साख का नियंत्रण करना, पहले साख तो समझते ही आप, साख को कंट्रोल करने के लिए इसे शामिल करते हैं। साख की सीमा का निर्धारण, साख की सीमा का निर्धारण, साख की सीमा तो, साख की सीमा तो अपने आप सीमा निर्धारण कहाँ होगी, जब हम लोग साख नियंत्रण कर रहे हैं तो सीमा हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल शामिल नहीं होगी, साख का निर्धारण ये चीज शामिल नहीं होगी। सीमा तो अपने आप उसकी साख की सीमा बढ़ती चली जाती है या घट भी सकती है। बैंक दर नीति, हाँ ये हमारे हाथ में होता है, अगर हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं तो बैंक की दर नीति, अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक की जो ब्याज दर होती है वो घटाई और बढ़ाई जाती है, तो यह भी शामिल होती है। तो यानी कि क्या नहीं शामिल होता है, ये चीज नहीं शामिल होता है, सीमा निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश डालिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आंसर आपके सामने होगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कुछ ही क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट कन्वेंशन, इसमें से कौन सा अकाउंट कन्वेंशन नहीं है? तो अकाउंट कन्वेंशन अभी आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि अकाउंट कन्वेंशन माने गाइडलाइंस, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस होता है कि अगर कोई नियम AAS जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम होते हैं, उससे अगर शामिल नहीं होता है तो उसमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, चार गाइडलाइंस बताई गई हैं। कौन कौन सी गाइडलाइंस होती है, एक होता है मैटेरियलिस्टिक गाइडलाइंस, दूसरी होती है कॉन्सिस्टेंसी की गाइडलाइंस,
कंसिस्टेंसी की गाइडलाइंस, हाँ एक होती है कंजर्वेटिज्म की गाइडलाइंस, कंजर्वेटिज्म की गाइडलाइंस, ठीक है, ये सभी नियम होते हैं। मटेरियल की गाइडलाइंस होती है, कंसिस्टेंसी की गाइडलाइंस होती है, और कंजर्वेटिज्म की गाइडलाइन, मतलब कि अगर कोई नियम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शामिल नहीं है तो पहले आप इसमें भी ध्यान दे सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है यहाँ पे, देखिए मटेरियल का होता है कंसिस्टेंसी, बिजनेस कंसिस्टेंसली चलता रहता है, चाहे बिजनेस का पार्टनर रहे या ना रहे, लेकिन बिजनेस जो है चलता रहेगा, बिजनेस कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो क्या इसमें से ऐसे चार हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म आपके नियम में है ना, कंजर्वेटिज्म मैंने भी बताया कि चार नियम में ये भी शामिल होता है। कन्वेंशन ऑफ एक्रुअल अकाउंटिंग और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तो मैं चार नियम में बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी भी होती है, मटेरियलिज्म भी होता है और डिस्क्लोजर का भी होता है। हम डिस्क्लोजर का मतलब होता है भैया कि डिस्क्लोज करना हर एक नियम को, जैसे हम लोग डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसे कहीं ना कहीं हम लोग अगर खाते में नहीं दिखाते हैं तो खाते के बाहर उसको डिस्क्लोज करते हैं। तो ये चारों नियम कन्वेंशन जो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस में रखा जाता है, तो इन चारों में से क्या इसमें नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला चीज बिल्कुल नहीं है, एक्रुअल कन्वेंशन ऑफ एक्रुअल अकाउंटिंग ये नहीं होती, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, सिद्धांतों में जब पढ़ेंगे अभिलेख के सिद्धांत, अकाउंटेंसी के सिद्धांत, तो उसमें आपको ये बातें मिल जाएंगी। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय, प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए, किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, लेखा अधिकारी के, लेखाकार के, प्रबंधक के, उत्तरदायी अधिकारी के, तो क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या सही आंसर हो सकता है। तो सीधी सी बात है, खाली लेखा अधिकारी के, तो खाली अकाउंटेंट के, खाली अकाउंट्स ऑफिसर के, या खाली अकाउंटेंट के, ऐसा नहीं हो सकता है खाली की खाली अकाउंटेंट के, खाली प्रबंधक के, ये जरूरी नहीं है। जो भी भाई जैसा जैसा प्रमाणक रहेगा, जैसा बाउचर रहेगा, तो जो भी उत्तरदायी रहेगा उसी का होना चाहिए, तो यही आंसर इसमें सीधा सीधा जाता है, राइट। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना समय लिए हुए लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट है लेकिन इसको कम मत समझिए, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन संबंध अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। चलिए इसको देख लीजिए, बताइए पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत, जो लोग कल क्लास कर रहे थे बिल्कुल ये समझ जाएंगे, पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत, मरम्मत खाते में डेबिट की गई, यह किस प्रकार की अशुद्धि है, यह किस प्रकार की अशुद्धि है। अब अच्छा, इसमें मरम्मत खाते में कर दी गई है तो यह अशुद्धि है, इसमें एरर वाले चैप्टर से आ गया, एरर एंड रेक्टिफिकेशन, तो एरर और रेक्टिफिकेशन में आपने पढ़ा है ये किस तरह का अशुद्धि है, ये चार अशुद्धियां यहाँ दी हुई है, तो यहाँ पर कंपनसेशन की अशुद्धि है, ऑमिशन की अशुद्धि है, कमीशन की अशुद्धि है, या प्रिंसिपल की अशुद्धि है। तो आप देखिए, करना चाहिए था इसको रिपेयर जो था, तो पुरानी मशीन खरीदा तो पुरानी मशीन में जोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसने रिपेयर का नया अकाउंट खोल दिया, तो ये गलती कर दिया, तो ये ऑमिशन यानी कि भूल वाला, भूल किया है, नहीं ये तो नहीं किया है। कमीशन एक खाते को दूसरे खाते में दिखा दिया है, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं किया है। कंपनसेशन कि ऐसा तो नहीं कि रिपेयर में करने से, रिपेयर अकाउंट में डालने से उसका उसका मशीन अकाउंट बराबर हो गया है, नहीं, जैसे कंपनसेशन में होता है एरर, ऐसा एरर जो एक खाते में लिखे तो दूसरा खाता उसका असर बराबर कर दे, क्रेडिट में करना था डेबिट में कर दे, राम जैसे राम 100 रुपए डेबिटर और क्रेडिटर है, तो ऐसा लिखा कि 100 रुपए डेबिटर में भी असर पड़ा, 100 रुपए क्रेडिटर में भी असर पड़ा, कंपनसेट कर गया, तलपट आपका मैच कर गया, तब भी वो एरर मिलेगा ही नहीं ना, तो ये ऐसा भी कंपनसेशन भी नहीं है, तो ये कैसी गलती है, ये इनकी सैद्धांतिक गलती है, प्रिंसिपल, इनको प्रिंसिपल ही नहीं पता है कि रिपेयर कहाँ होना चाहिए, मशीन में जुड़ जाना चाहिए, ओल्ड मशीनरी है, तो इनको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो सीधा आंसर क्या होता है, सैद्धांतिक गलती है इनकी, इसलिए आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग घंटे भर से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग एवरी संडे जो है क्लास में जुड़ेंगे श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपकी भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए, साथ में आप लोगों के साथ एकदम तन्मयता से जुड़ा हुआ है। आप लोग जितना अगर आपको पसंद आया बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दिखाएं और बताएं और हमारे क्लास को ज्वाइन करें। कॉमर्स की क्लास बेहतरीन तरीके से आपको तीनों सब्जेक्ट दी जाएगी, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ें और प्रत्येक संडे आप अपने आप को एग्जाम में बांध कर अपने आप को जांच लेके आप परख लें कि आप कितने हद तक अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट एवरीवन। राजेंद्र की तरफ से, श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को बधाई हो जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, ओके, थैंक यू। समय लगा दिए हम क्या।